प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं मैं हूं जयनेन्द्र। जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश का सबसे बड़ा और सबसे गहन स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था और प्रधानमंत्री ने तब यह आह्वान किया था देशवासियों से कि जब हम 2 अक्टूबर 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएं तब बापू की स्मृतियों को उनके योगदान के लिए एक साफ सुथरा भारत उन्हें अर्पित करें। स्वच्छ भारत अभियान 2 वर्ष पूरे कर रहा है। यह अभियान एक लंबी यात्रा और चुनौतियों से भरा हुआ अभियान रहा है, अभी भी है, कठिन रहा है, मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने पिछले मन की बात में स्वच्छता पर विस्तार से चर्चा की, कई नए प्रयासों, नए बिंदुओं की ओर उन्होंने इशारा किया और एक बार पुनः मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान भी किया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। श्री परमेश्वरन अय्यर जी, जो कि सचिव हैं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार में, आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं। बहुत बहुत स्वागत है अय्यर साहब आपका। धन्यवाद। ये तो सचमुच हर कोई समझता है कि ये 2 साल का सफर जो है आसान नहीं था, होना भी नहीं था, क्योंकि इतना विशाल देश है, इतनी विकराल समस्या है स्वच्छता को लेकर। पर आपका अनुभव और आपकी उपलब्धियों को देखते हुए मंत्रालय की तरफ से और देश में जो भी चीजें जागरूकता दिखती हैं उनका आकलन आप किन शब्दों में करेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जी इस प्रोग्राम के 2nd एनिवर्सरी पर दोबारा लोगों से अपील किया कि वो रीडेडिकेट करें इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्राम है दुनिया भर, जहाँ पे 550 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं जी, और जहाँ पे इसकी हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सिवियर हैं, लेडीज और गर्ल्स के डिग्निटी और सिक्योरिटी का सवाल है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो इसको टॉप ऑफ एजेंडा रखा है, इससे बहुत फर्क पड़ा है जी। मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजिंग डिफरेंस है, जहाँ पे इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इसको अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है, उसी से ये पूरा मोमेंटम बना है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो 2 साल में प्रगति हुई है, इसमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है दोनों रूरल और अर्बन में, और आगे के लिए जो प्लान है, एक मास मूवमेंट के तौर पे ये प्रोग्राम चल रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि सब लोग अब स्वच्छ भारत का नाम तो जानते हैं, बिल्कुल, और अपने अपने जगह पे लोग अपना अपना वॉलंटियरिंग वर्क कर रहे हैं। और ख़ासतौर से जो हमारा मंत्रालय है, हम लोग ग्रामीण एरियाज में जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, और कलेक्टरों ने बहुत ही अच्छा काम किया, यंग IAS ऑफिसर्स, उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को, लोकल NGOs को मोटिवेट किया, बच्चों को मोटिवेट किया, स्कूल चिल्ड्रन को मोटिवेट किया है। हमने सुना, यहाँ तक कि अखबारों में भी पढ़ा कि सुबह सुबह लोग वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, निकल जाते थे बच्चों के साथ ताकि लोगों को उनको इंस्पायर करें, प्रेरित करें कि खुले में शौच ना करें। बिल्कुल, ऐसे इनको हम निगरानी समितियां कहते हैं। अच्छा, तो खासतौर से बच्चे जो हैं, बच्चे बाहर जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, और कई बार कलेक्टर्स और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी साथ में जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि सीटियां बजाते हैं, जो लोग खुले में शौच अभी भी जाते हैं, गांधीगिरी करते हैं, उनको कहते हैं कि साहब प्लीज इसको मत करें। इससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि बच्चों का जो इफेक्ट है वो काफी इन्फ्लुएंशियल है जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में ये बात कही थी कि हमें अपने आरोग्य के लिए, नागरिकों के सम्मान के लिए, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, उनके सम्मान के लिए इस प्रथा को, जो खुले में शौच की प्रथा है और आदत है, इसको बंद करना बहुत आवश्यक है। अय्यर साहब, आपकी अनुमति हो तो प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये एक गेम चेंजर बात हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने इस बात को इतनी अहमियत दी, प्राथमिकता दी, तो निश्चित रूप से इससे सभी मोटिवेट हुए हैं जी। तो वो हिस्सा सुनते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 साल पहले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू के जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन को हमने प्रारंभ किया था, और उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वच्छता यह स्वभाव बनना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य बनना चाहिए, गंदगी के प्रति नफरत का माहौल बनना चाहिए,
अब 2 अक्टूबर को जब 2 वर्ष हो रहे हैं, तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के 125 करोड़ देशवासियों के दिल में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और मैंने कहा था एक कदम स्वच्छता की ओर, और आज हम सब कह सकते हैं कि हर किसी ने एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया ही है, मतलब कि देश 125 करोड़ कदम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है। ये भी पक्का हो चुका है दिशा सही है। फल कितने अच्छे होते हैं थोड़े से प्रयास से क्या होता है वो भी नजर आया है। और इसलिए हर कोई, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे शासक हो, चाहे सरकार के कार्यालय हो या सड़क हो, बस अड्डे हो या रेल हो, स्कूल या कॉलेज हो, धार्मिक स्थान हो, अस्पताल हो, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, सब कोई स्वच्छता के अंदर कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। मीडिया के मित्रों ने भी एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। मैं भी चाहूंगा कि हमें अभी भी और बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है, प्रयास भरपूर हुए हैं और हम कामयाब होंगे ये विश्वास भी पैदा हुआ है। ये भी तो जरूरी होता है। और तभी तो ग्रामीण भारत की बात करें तो अब तक 2 करोड़ 48 लाख यानी करीब करीब 2.5 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ है, और आने वाले 1 साल में 1.5 करोड़ और शौचालय बनाने का इरादा है। आरोग्य के लिए, नागरिकों के सम्मान के लिए, खास करके माताओं बहनों के सम्मान के लिए खुले में शौच जाने की आदत बंद होनी ही चाहिए। और इसलिए ओपन डेफिकेशन फ्री ODF, खुले में शौच जाने की आदतों से मुक्ति, उसका एक अभियान चल पड़ा है। राज्यों राज्यों के बीच, जिले जिले के बीच, गांव गांव के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा चल पड़ी है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल खुले में शौच जाने की आदत से मुक्ति की दिशा में बहुत ही निकट भविष्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। मैं भी गुजरात गया था तो मुझे अफसरों ने बताया कि पोरबंदर, जो कि महात्मा गांधी का जन्मस्थान है, इस 2 अक्टूबर को पोरबंदर पूरी तरह ODF का लक्ष्य सिद्ध कर लेगा। तो जो आपने ओपन डिफिकेशन फ्री करने का जो एक अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सीधे सीधे आपके मंत्रालय के अंतर्गत ही उसकी जिम्मेदारी है, कितना लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं, क्या चुनौतियां हैं आगे के लिए आप देखते हैं उसमें? देखिए, अभी तक काफी सफलता प्राप्त हुई है, हालांकि चुनौती आगे मतलब बहुत है जी। इसमें अभी तक करीब 85,000 गाँव ओपन डिफिकेशन फ्री बन चुके हैं। अच्छा, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो 6.5 लाख गाँव है इंडिया में, तो और काम बाकी है बहुत, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, 85, मैं समझता हूँ कि 2 अक्टूबर तक करीब 1 लाख गांव ओपन डेफिकेशन फ्री बन जाएंगे, और करीब 40 डिस्ट्रिक्ट्स, जब 6 महीने पहले हमारे पास केवल 6 जिले थे जो ओपन डेफिकेशन फ्री थे, और अब जाके ये 40 के आसपास बन चुका है, और इस साल का जो लक्ष्य है वो है करीब 100 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसके अलावा गांव में स्वच्छता के बारे में भी, ओपन डेफिकेशन फ्री के अलावा, गांव तो साफ होना चाहिए, तो उसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत जोर है। और हमने रिसेंटली प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन पे एक इंडेक्स डेवलप किया, जहां पे प्रत्येक गांव इंडिया में सेल्फ रैंकिंग करेगी स्वच्छता पर। तो ODF प्लस करके हम आगे चल रहे हैं, न केवल ODF है बल्कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और जनरल विजुअल क्लिनलीनेस गाँव में। एक बहुत अच्छी बात, ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि 2 अक्टूबर को जब पोरबंदर को, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ, उसे खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात में मेरा ख्याल है नर्मदा और महसाणा जिलों को भी इस तरह से किया जाएगा, और कई और राज्य हैं जिस तरह केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, सुना है कि 8-8 जिले वहां भी खुले में शौच से मुक्त डिक्लेयर किए जाएंगे। जी। एक बापू का वो वाक्य याद आता है, उन्होंने ये बात कही थी कि गंदे पैरों के साथ किसी भी व्यक्ति को मैं अपने मन मस्तिष्क में घुसने की इजाजत नहीं दूंगा। यानी जहां स्वच्छता नहीं है वहां अच्छे विचार नहीं हो सकते, तो इस लिहाज से भी ये बहुत आवश्यक है। लेकिन एक चीज है अय्यर साहब, कि शौचालय बनाना
निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक काम है, बने भी बहुत हैं, लेकिन आदतों में सुधार एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो सरकारी स्तर पर नहीं हो सकती वो चीज़ें, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, ये भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल साहब, आपने बहुत सही कहा है। और एक्चुअली ये दूसरा जो मेजर डिफरेंस है स्वच्छ भारत अभियान और जो पुराने वाले स्वच्छता के कार्यक्रम में, बिहेवियर चेंज जो आपने कहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस प्रोग्राम के, और जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार दोहराते हैं कि एक टॉयलेट बनाना रिलेटिवली आसान है, उसका इस्तेमाल हो, बिहेवियर चेंज हो, जो सदियों से आदतें हैं उनको कैसे चेंज करें। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन टेक्निक है। अच्छा, उसको मतलब ये जरूरी है कि एक गांव में पूरा कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल टॉयलेट ही बने जी। तो बिहेवियर चेंज, जिसको हम ट्रिगरिंग बोलते हैं, कि बिहेवियर चेंज को कैसे ट्रिगर करेंगे, इसमें अच्छे अच्छे लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जी। और अल्टीमेटली यूसेज हाई होना चाहिए। पुराने प्रोग्राम्स में केवल कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स मॉनिटर किए जाते हैं, अब यूसेज काफ़ी हाई है। थर्ड पार्टी जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पिछले साल सर्वे किया था जिसमें यह पाया गया कि यूसेज 90% से ऊपर है। अब यह हो सकता है कि इंडिविजुअल केसेस में कुछ जगहों पे यूसेज हाई नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो हम फेयरली कॉन्फिडेंट हैं कि यूसेज हाई है। इससे ये साबित होता है कि बिहेवियर चेंज का जो फोकस है वो काफ़ी सफल रहा है, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सामाजिक स्तर पर इस तरह का एक माहौल बनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसको अब किसी दंडात्मक कार्रवाई से या कानून से इस आदत को नहीं बदला जा सकता। तो गांव में, देहात में, समाज में लोगों का अगर दबाव रहता है कि भाई बाहर ना जाएं औरतें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां घर में शौचालय है लेकिन फिर भी बाहर जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक आदत है जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है। हिम्मत रखने की ज़रूरत है, चलते रहना है उस दिशा में जो दिशा प्रधानमंत्री महोदय ने दी है। एक गीत सुनवा देते हैं अय्यर साहब श्रोताओं को, और उसके बाद लौटकर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, दर पे फिर होगी तेरी सुबह।
प्यास एक वो मिटता नहीं है, मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में परमेश्वरन अय्यर जी से हम बातचीत कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। परमेश्वरन अय्यर जी जो कि सचिव हैं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के। अय्यर साहब, प्रधानमंत्री महोदय ने एक जो सामान्य जो हमेशा वो लोगों से अपील करते हैं, आह्वान करते हैं स्वच्छता की, एक खासतौर पर उन्होंने नौजवानों को लेकर एक खास बिंदु और खास चर्चा की है क्योंकि उनकी दृष्टि में नौजवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। फिर नौजवान इसको अलग ढंग से अपने रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए कुछ ऐसा रास्ता भी इससे निकाल सकते हैं, उस बिंदु पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल सही आपने कहा है कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि यूथ, खासतौर से लोकल यूथ को इन्वॉल्व करें जहाँ पे वो रहते हैं। इसमें क्या हुआ है कि तमाम जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NCC हैं, NSS हैं, नेहरू युवा केंद्र हैं, स्काउट्स हैं, ये सारे इस प्रोग्राम में इंटेग्रली जुड़े हुए हैं। अब नेहरू युवा केंद्र के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ हम लोग जो गंगा नदी के किनारे पे जो ग्राम पंचायत हैं उनको स्वच्छ बनाने के लिए उसमें एक स्पेशल सब प्रोग्राम चालू है। अच्छा। जिसमें ये आइडिया है कि 31 दिसंबर तक जहां 1651 ग्राम पंचायत हैं 5 स्टेट्स में, उनकी सफाई हो, उनको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाए। तो उत्तराखंड में तो शायद ये लक्ष्य हासिल हो भी गया है। उत्तराखंड में हो चुका है, अब यूपी बिहार बाकी है, बंगाल में भी है। हाँ। और झारखंड में करीब करीब हो चुका है। इसमें NCC का भी बड़ा अच्छा रोल है और अभी रिसेंटली ही उन्होंने एक स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट किया नेशन वाइड। जी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने उनको पुरस्कृत किया। जी जी बिल्कुल। तो ये नौजवानों को लेकर एक उन्होंने जो इच्छा अपनी जाहिर की और खासतौर पर एक रेवेन्यू मॉडल की भी बात की, इस पर आपसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने जब अपने नौजवान साथियों से अपील किया, आह्वान किया उनको, और एक नंबर के बारे में उन्होंने जिक्र किया 1969, तो वो अंश हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं ताकि हम इस एक बार फिर से उस नंबर को ध्यान से सुन लें, नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी भूमिका इससे और बहुत बड़ी सहूलियत हम सबको होने वाली है। तो आइए सुनते हैं उस अंश को प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के। खास करके मैं नौजवान मित्र जो कि आजकल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं उनके लिए एक योजना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वच्छता मिशन का आपके शहर में क्या हाल है ये जानने का हक हर किसी को है और इसके लिए भारत सरकार ने एक टेलीफोन नंबर दिया है 1969। हम जानते हैं 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 1969 में हमने महात्मा गांधी की शताब्दी मनाई थी और 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने वाले हैं। ये 1969 नंबर, उस पर आप फोन करके न सिर्फ अपने शहर में शौचालयों के निर्माण की स्थिति जान पाएंगे बल्कि शौचालय बनवाने के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। आप जरूर उसका लाभ उठाएं। इतना ही नहीं, सफाई से जुड़ी शिकायतों और उन शिकायतों के समाधान की स्थिति जानने के लिए एक स्वच्छता ऐप की शुरुआत की है। आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, खास करके यंग जनरेशन फायदा उठाएं। भारत सरकार ने कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी अपील की है कि वे आगे आए, स्वच्छता के लिए काम करना जो चाहते हैं ऐसे यंग प्रोफेशनल्स को स्पॉन्सर करें, जिलों के अंदर स्वच्छ भारत फेलोज के रूप में उनको भेजा जा सकता है। ये स्वच्छता अभियान सिर्फ संस्कारों तक सीमित रहने से भी बात बनती नहीं है, स्वच्छता स्वभाव बन जाए इतने से ही काफी नहीं है। आज के युग में स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य जैसे जुड़ता है वैसे स्वच्छता के साथ रेवेन्यू मॉडल भी अनिवार्य है। वेस्ट टू वेल्थ ये भी उसका एक अंग होना जरूरी है और इसलिए
स्वच्छता मिशन के साथ साथ वेस्ट टू कंपोस्ट की तरफ हमें आगे बढ़ना है। सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग हो, कंपोस्ट में बदलने के लिए काम हो, और इसके लिए सरकार की तरफ से पॉलिसी इंटरवेंशन की भी शुरुआत की गई है। फर्टिलाइजर कंपनियों को कहा है कि वे वेस्ट में से जो कंपोस्ट तैयार होता है उसको खरीदें। जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना चाहते हैं उनको ये मुहैया कराएं। जो लोग अपने जमीन का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, धरती की तबीयत की फिक्र करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर के कारण काफ़ी नुकसान हो चुका है, उनको अगर कुछ मात्रा में इस प्रकार के खातर की ज़रूरत है तो वो मुहैया कराएं। मैं नौजवानों को वेस्ट टू वेल्थ इस मूवमेंट में नए नए स्टार्टअप के लिए भी निमंत्रित करता हूँ। वैसे साधन विकसित करें, वैसे टेक्नोलॉजी विकसित करें, सस्ते में उसके मास प्रोडक्शन का काम करें, ये करने जैसा काम है। बहुत बड़ा रोजगार का भी अवसर है, बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि का भी अवसर है, और वेस्ट में से वेल्थ क्रिएशन ये सफल होता है। अय्यर साहब, प्रधानमंत्री महोदय ने जो बातचीत की है नौजवानों के संदर्भ में, खासतौर पर उन्होंने उसमें एक जो रेवेन्यू मॉडल की मैं चर्चा कर रहा था कि वेस्ट से वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकती है या वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बन सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक इतना बड़ा हमारे पास रिसोर्स है जिसको हम ऐसे ही जाया होने देते हैं, वेस्ट होने देते हैं, तो इस मॉडल के बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएं। जी हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल सजेशन है जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। दो एस्पेक्ट से, एक तो ये है कि एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, लोग अपने रबिश को बाहर फेंक देते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता नहीं है। तो एक तो ये जो जनरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिसाइकल करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें वेल्थ भी है जी, इस समाज को वेल्थ है और इंडिविजुअल को वेल्थ है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जब तक लोग समझेंगे नहीं कि वो अपना जो वेस्ट है उनको डिस्पोज करने से उनको कुछ इनकम मिल सकता है, इससे स्वच्छता और भी अट्रैक्टिव उनको हो जाएगा। इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन है जिसको हम दोनों अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में इनको अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो कंपोस्ट के लिए हो, चाहे गोबर बैंक के लिए हो, और रिसाइकलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहीं देश में कोई ऐसे उदाहरण है जहां इस तरह की चीजों को सफलता से लागू किया गया? जी हाँ, ये तमाम हर एक स्टेट्स में अलग अलग एग्जाम्पल है, सिटीज में तो है जी। आप देखेंगे कि पुणे में रैग पिकर्स एसोसिएशन अपना सेग्रीगेशन और वेस्ट एक कोऑपरेटिव मूवमेंट से चला रहे हैं। अच्छा। अलग अलग रूरल एरियाज में जो वेस्ट है उनको अब कॉम्पोस्ट की तरफ उत्सुक बनाते हैं, गोबर को कॉम्पोस्ट बनाते हैं। और दूसरा जो रिसाइकलिंग है, एक अच्छा मॉडल है जिसमें तमिलनाडु में मनरेगा को डवटेल के साथ लोग अपना जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करते हैं और उसकी कंपोस्टिंग करते हैं, और उससे फर्टिलाइजर सब लोगों को मिल जाता है लोकल लेवल पे। तो ये तो वैसे पारंपरिक रूप से गांव में पहले बात रही है कि जो भी कूड़ा कचरा होता था हमारे खेत का, पशुओं का या इंसान का, वो सब ऐसे कंपोस्ट में उसको तब्दील करते थे और खेतों में इस्तेमाल करते थे और उसका बहुत लाभ मिलता था। तो उसी को रिवाइव करने की जरूरत है, जो बीच में जो अच्छे ट्रेडिशंस हैं हमारे पुराने जी, बीच में पॉपुलेशन के वजह से, प्लास्टिक के वजह से ये थोड़ा सा, मतलब प्लास्टिक को आप रिसाइकल करेंगे तो इसमें आदतें बिगड़ गए हैं, लेकिन अब ये कोशिश किया जा रहा है कि ये जो अच्छे हैबिट्स हैं रिसाइकल के, इनकी पब्लिसिटी करें और लोगों को मतलब ये जानकारी दें कि इसमें न केवल एनवायरनमेंट को फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा इकोनॉमिकली। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आम आदमी कैसे इन चीज़ों का लाभ ले सकता है, क्या क्या योजनाएं हैं और किस तरह से सीधे हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब चीज़ें होने लगती हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आती हैं, कई समस्याएं आती हैं, उस पर हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं। वक्त है क्या तुमको पता है ना, सो गई रात जाके दिन है अब जाग उठा, आंखें मसलता है सारा ये समा, सब निशानों से यही है सदा।
कहे वो जो कहे सुन लो, बात जो सही दिल को लगे चुन लो। करना है क्या तुम्हें ये तुम ही करो फैसला, ये सोच लो तुमको जाना है कहां, तुम ही मुसाफिर तुम ही तो हो कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में परमेश्वरन अय्यर जिसे हम बातचीत कर रहे हैं श्रोता हूँ आज स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। एक ऐसा अभियान जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, लेकिन सिर्फ दिल के करीब होने से हम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, हमें कर्म करना होगा, हमें खुद कुछ करना होगा। क्योंकि परमेश्वरन अय्यर साहब, बात यह है कि देखिए, स्वच्छता के लिए जो हमारे लोकल बॉडीज हैं, हमारे प्रशासन है, स्थानीय शासन, हर स्तर पर व्यवस्था है, काम भी होता है, लेकिन अगर हम ही गंदगी फैलाने से नहीं रुकेंगे तो उसका कहीं असर नहीं दिखता। क्योंकि एक तरफ सफाई हो रही है, दूसरी तरफ से हम कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं, यहाँ तक कि डस्टबिन भी बहुत सारी अब उपलब्ध होती हैं लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज़ें तो हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर एक विचार, एक क्रांति, एक सोच पैदा करने के लिए, एक हमने सुना कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आप लोगों ने कोई इंडोसैन या इस तरह के कॉन्फ्रेंस या पखवाड़ा भी मनाया है, वो क्या है? जी हाँ, असल में ये 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, और ये सुझाव था कि 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक, अच्छा, ये स्वच्छ भारत मिशन का एक हफ्ता सेलिब्रेट हो, और सेकेंड एनिवर्सरी भी है। तो इसमें जो मेन इवेंट है वो 30 सितंबर को अभी जो हुआ है, एक इंडिया सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस बनाया गया, अच्छा, जिसको इंडोसैन हमने कहा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया जी। तो इसमें कई स्टेट से चीफ मिनिस्टर्स आए थे, मिनिस्टर्स आए थे, कलेक्टर्स आए, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स आए, तो करीब 1500 लोग ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 2-3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो जो 2 साल का एनिवर्सरी है स्वच्छ भारत का, उसमें एक स्टॉक टेकिंग हुआ, क्या क्या प्रगति हुई है। दूसरा, आगे के लिए जो 3 साल बाकी हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिव्यू हुआ। और दूसरे, कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ अलग अलग जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है स्वच्छ भारत के, इसके टेक्निकल सेशंस भी हुए। और फाइनली जो क्रॉस मिनिस्टीरियल, क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन है कि रेलवेज में सैनिटेशन क्या हो रहा है, स्कूल्स में क्या हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो जुड़े हुए हैं स्वच्छता से, उसमें क्या क्या प्रगति हुई है, इस पर भी चर्चा हुई। मेन चीज ये था कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर, जैसे आपने सुना होगा कि ये इसके एक रिपोर्ट कार्ड टाइप का दिया था जी, कि क्या क्या हुआ इसमें और आगे के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या सुझाव। तो प्रधानमंत्री जी के जो लीडरशिप में ये एक स्ट्रैटेजी डेवलप हुई, जिसमें सारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, इसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे, इसको हम बार बार कहते हैं कि इंडिया में एक फॉर्मूला है जिसके बिना काम नहीं होता है। पीएम, सीएम, डीएम और वीएम, और वीएम है विलेज मुखिया।
जी, तो अच्छा। इन चारों को आप साथ साथ ले चलें। प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप तो है ही, अब चीफ मिनिस्टर्स लीडरशिप ले रहे हैं, फिर कलेक्टर्स जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो ले रहे हैं, और विलेज मुखिया का खास रोल है। तो इस टाइप का एक फॉर्मूला, और ये सब बाकी जो लोग हैं उनको भी साथ में ले चलते हैं। तो वैसे भी देखिए, ये स्वच्छता जो है, चूंकि है तो राज्य सरकार के सूची में, उसके कार्यक्षेत्र में, लेकिन शुरुआत जब हर स्तर पर हर जगह पहल होगी तभी इसका हम लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो इसमें जो भारत सरकार के भी अलग अलग मंत्रालय, आपकी तो मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है उसकी, लेकिन कुछ मंत्रालय सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ 15-15 दिन के पखवाड़े के तौर पर सफाई का अभियान कार्यालयों में भी शुरू करने का कुछ निर्णय हुआ। एक्चुअली ये प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू किया है जी, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा, न केवल हमारे मंत्रालय या अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय जो नोडल मिनिस्ट्रीज हैं स्वच्छता के लिए, सबको स्वच्छता को अपने प्रोग्राम में मेनस्ट्रीम करना चाहिए जी। तो इसमें होता क्या है कि साल भर एक मिनिस्ट्री में एक फोर्टनाइट एक पखवाड़ा लिया जाता है जहां पे उनको कोर स्वच्छता एक्टिविटीज अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट करना है। अच्छा। और उसको हाईलाइट करना है, और इनोवेटिव एक्टिविटीज, जैसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ड्राइव चलाया। डिपार्टमेंट ऑफ माइंस ने अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, आइकॉनिक प्लेसेस को अडॉप्ट किया स्वच्छता के लिए। तो इस तरीके से ये बार बार इससे मोमेंटम बनता है और बस भी रहता है कि स्वच्छता हर मिनिस्ट्री में हर काम में इंटीग्रेटेड हो। यह मतलब प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इसको समाज में, मिनिस्ट्रीज में, कम से कम गवर्नमेंट ऑफिसेज में पूरा इंटीग्रेट होना चाहिए। और इससे काफी अच्छा मोमेंटम हुआ है, और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इसको रिव्यू भी किया जाएगा जी। तो निश्चित रूप से जो वहां लोग आएंगे उस परिवर्तन को देख सकते हैं। अय्यर साहब, ग्रामीण क्षेत्रों की तो जिम्मेदारी सीधे सीधे आपके मंत्रालय के अंतर्गत है, लेकिन शहरों में भी कम से कम हम चर्चा तो आपसे कर ही सकते हैं कि बहुत सारे, देखिए बहुत सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं, यूरिनल्स बने हुए हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि उसका इस्तेमाल भी हो रहा है लेकिन सफाई न होने की वजह से, या यहाँ तक कि वो गंदगी सारी बाहर सड़क तक गिरती है, बदबू आती है, लोग वहां जाने से कतराते हैं। आखिर उन सब की जिम्मेदारी किसकी है और किस स्तर पर उसको टैकल करना चाहिए? जी हाँ, हम शहरी मंत्रालय के साथ बहुत क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं, साथ साथ ही इस प्रोग्राम को चलाते हैं सेंट्रल लेवल से। तो मैं समझता हूँ कि म्यूनिसिपल एरियाज में म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ने बहुत अच्छा काम किया जनरली, और इसमें जो चैलेंज आपने दिया कि सफाई और मेंटेनेंस कैसे हो पब्लिक फैसिलिटीज की, तो इसमें ये एक रेवेन्यू मॉडल, जैसे पीएम साहब कहते रहते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब एक तो ऑलरेडी है सुलभ शौचालय, पे एंड गो जिसको हम कहते हैं, तो उस वो मॉडल जो है वो सबसे सस्टेनेबल मॉडल है, और उसको इंक्रीजिंगली अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि लोकल लेवल पे एक सेल्फ जनरेटिंग मॉडल हो, जिस जहां पे सफाई ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज और टॉयलेट्स हो सकता है। इसमें उन्होंने यूरिनल्स भी तमाम एक्स्ट्रा क्रिएट किए हैं, पहले यूरिनल्स इतने थे नहीं, पहले केवल टॉयलेट्स थे। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम बन रहा है, और नगर विकास मिनिस्ट्री इसको काफी आगे बढ़ा रहे हैं जी। इसमें जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जो जो नगर निकाय हैं या स्थानीय शासन के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि उनका भी अपना सफाई का स्टाफ तो उसके लिए कुछ निर्धारित होता होगा। क्योंकि मुझे लगता है अय्यर साहब कि हर जगह इस मॉडल को शायद उनके लिए बहुत वायबल ना होता हो तो इसलिए वहां नहीं करेंगे, वो जहां पे वायबल होगा वहीं पर वो जुड़ना चाहेंगे। लेकिन यह है कि कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के यूरिनल्स वगैरह जो बनने चाहिए उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही बात आपने कहा, जहां पे रेवेन्यू मॉडल संभव न हो वहां पे जिम्मेदारी बन जाती है लोकल अथॉरिटीज की। अच्छा। और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी है, रूरल एरियाज में ग्राम पंचायत है। रूरल एरियाज में मतलब घर घर में अगर शौचालय हो तो फिर बाहर इतने यूरिनल्स, पब्लिक यूरिनल्स की जरूरत नहीं है। अर्बन एरियाज में क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, वहां पे जरूरत है। तो अल्टीमेटली जहां पे रेवेन्यू मॉडल संभव नहीं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। ऐसे बहुत जगह, बहुत सारे जो स्थानीय निवासी हैं जिनका घर है वो तो अपने लिए शौचालय बनवा सकते हैं, बनवाते भी हैं लोग, लेकिन एक हमारी जनसंख्या का हिस्सा ऐसा भी है जो मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में, जितने दिन काम रहा वहां रुके फिर चल दिए। अब उस जनसंख्या को, उनके लिए टॉयलेट्स हों, उसके लिए सुविधाजनक परिस्थितियां हों, क्योंकि उसकी वजह से बाहर खुले में शौच की प्रॉब्लम रहती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। इसके लिए जो नॉर्मल सोल्यूशन है वो कम्युनिटी टॉयलेट्स। अच्छा। तो कम्युनिटी टॉयलेट्स बन रहे हैं स्पेशली माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए जैसे आपने कहा है, और इसमें दोनों मॉडल्स हो सकते हैं, रेवेन्यू मॉडल भी हो सकता है जिसमें आप बहुत कम पैसे में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और जहां पे इसकी मतलब पॉसिबिलिटी कम है वहां पे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज कम्युनिटी टॉयलेट्स को चला सकते हैं जी। तो कम से कम कोशिश इस दिशा में हो रही है, ये बात बहुत अच्छी लगती है। एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं और उसके बाद लौट कर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक
हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जल्ला बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, श्रोताओं कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में परमेश्वरन अय्यर जी से हम बातचीत कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। अय्यर साहब, कई श्रोता मन की बात के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेजते हैं, वैसे भी उनकी शिकायतें आती रहती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, लोग शेयर करते हैं। मन की बात पर लोगों को इतना भरोसा है कि लाखों चिट्ठियां उसमें आती है, आकाशवाणी में वो चिट्ठियां आती हैं, यहाँ से सारी चिट्ठियों के वो छटाई करके फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाता है प्रधानमंत्री महोदय के पास। लेकिन उनमें से कुछ पत्रों को मैंने आज आपसे चर्चा के लिए रखा हुआ है, जिस पर चर्चा करने के बाद ये पत्र वहाँ भेजे जाएंगे। ये देवी प्रकाश त्रिवेदी हैं, ये जरगांव है गाँव का नाम इनका, बिछिया, उन्नाव जिले में, उत्तर प्रदेश में।
कई बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन एक बात उन्होंने लिखी है कि हमारी बेटियां और औरतें शौच के लिए गांव से 500 मीटर की दूरी पर जाती हैं। हम ग्राम प्रधान से कहते हैं तो वो कहते हैं कि अभी कोई स्कीम नहीं आई है। जब उन्होंने लिखा है तो हम इसको मानते हैं कि ये शायद उनके सामने समस्या होगी। तो उनको सेंसिटाइज करने के लिए जो ग्राम स्तर पर हमारे जो लीडर हैं नेतृत्व कर रहे हैं कि वो पहल करें, थोड़ी सी आगे बढ़ें, इसके बारे में उनको क्या सलाह देंगे आप? नहीं, हम तो यही कहेंगे, ये उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रेस किया जिसका समाधान होना चाहिए। और यूपी में अभी काफ़ी मतलब तेज़ी से यूपी में सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कवरेज कम है। और मैं समझता हूँ कि उन्नाव जिले में सैनिटेशन कवरेज काफ़ी कम होगा, इसलिए महिलाओं और बेटियों के लिए ये समस्या तो है। तो मैं सुझाव दूंगा, इसको मैं वैसे तो दिखवा लूंगा क्योंकि यूपी में हम वो हमारा एक मेजर स्टेट है जी। और उन्नाव जिले में उसको ODF बनाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। सजेशन ये रहेगा कि ये अपने जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनसे भी मिलें, उनको पत्र लिखें जी। और इसमें जो प्रधान जी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट से मिलके जो इंसेंटिव दिया जाता है टॉयलेट के लिए 12,000 रुपए, उसके लिए अपना प्रस्ताव भेजें। और स्पेसिफिकली अगर ब्लॉक लेवल से इसका समाधान नहीं है तो फिर वो कलेक्टर से मिलें, लेकिन इस स्पेसिफिक केस को मैं जरूर दिखवा लूंगा। तो अगर ये लोग सीधे कहीं इस तरह की जो समस्या जिनको सामना कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई ऐसा है जहां बात कर सकते हैं? हमने अभी सजेशन दिया सारे स्टेट्स को कि हर स्टेट में एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। ऑलरेडी वो हमारे पास जो कंप्लेंट्स और सजेशंस आते हैं इंटरनेट पे तो आते हैं, लेकिन हर जगह पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है जी। तो दो तरीके से, एक तो हेल्पलाइन, दूसरा SMS। इसको हमने शुरू किया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है कि हर स्टेट में एक हेल्पलाइन होना चाहिए ताकि जहां इस तरीके के कंप्लेंट्स है वो सीधे हेल्पलाइन को कर सकते हैं और उसका समाधान डायरेक्टली हो सकता है, वो अपने प्रधान जी पर निर्भर नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है वैसे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग, दुखियों के बैठ जाते हैं कि अब ना प्रधान सुन रहे, हो सकता है पता नहीं उसके ऊपर भी लोग कोई सुने ना सुने, तो कहीं ना कहीं हताशा उनके मन में आ जाती है। सही है, इसके लिए बहुत ज़रूरी कि उनके पास ये रास्ता हो। देखिए, एक मन की बात का रास्ता था, उन्होंने बड़े हौसले से लिखा इस बात को। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि कुमारी निर्देश दिवाकर हैं, ये हाथरस जिले से लिख रही हैं, इनका गांव नवीपुर है। बहुत अच्छा, बड़े भाव के साथ इन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री महोदय को एड्रेस करते हुए, और ये लिखा कि आपकी बिटिया कुमारी निर्देश दिवाकर। ये भी एक लाइन जो कहती हैं कि गांव और घर में शौचालय की भी व्यवस्था कराने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो गांव है इनका, वहां पर इस तरह की समस्या खुले में शौच की काफी ज्यादा है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तमाम केसेस हैं जहां पे लड़कियां औरतें अपने डिमांड पर, उन्होंने मतलब प्रेशराइज किया अपने जो पंचायत को टॉयलेट बनाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, इनके लिए आसान होना चाहिए कि जहाँ पे टॉयलेट नहीं है वो एक सीधे हेल्पलाइन में अपना कंप्लेंट दें, अपना सजेशन दें, जिससे रिस्पॉन्सिवनेस भी होना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्र वहाँ पे पड़ा रहे। तो इसका हम इंतजाम कर रहे हैं, इसको हम दोबारा फॉलोअप करेंगे, इसको इफेक्टिव बनाए जी। एक और पत्र है, रामशरण सिंह है, ये लखीमपुर खीरी से इन्होंने लिखा है, रत्नापुर गांव है। अब बात वही है, समस्या वही है इनकी भी। अब एक समय था जब इस बात को हम ज्यादा अहमियत नहीं देते थे कि शाम को या सुबह औरतें जाती हैं बाहर, कोई बात नहीं, एक सामान्य बात थी। लेकिन अब लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये औरतों के लिए, लड़कियों के लिए हमारे उनके मान सम्मान पर कहीं ना कहीं चोट है। तो इन्होंने लिखा कि मेरे गाँव में मुश्किल से 20% शौचालय है, क्या गांव की बहू बेटियां बच्चे बूढ़े खुले में शौच जाएं लोटा लेकर 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि जो गांव का एरिया है अब उसमें लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर ही वो खुले में ऐसी मजबूरी में उनको जाना होता है। नहीं तो ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है जिसको हम मानते हैं, और कुछ स्टेट्स में ज्यादा समस्या, कुछ स्टेट्स में कम समस्या, लेकिन जहां तक डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ये प्रोग्राम चल रहा है जी। उसी को मेनली एड्रेस करने के लिए प्रोग्राम्स बना है, और लेकिन इसमें और तेजी होनी चाहिए और हर केस में इसका रिड्रेसल होना चाहिए। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि ये कंप्लेंट्स और सजेशंस ऊपर आके आ रहे हैं, ताकि मतलब एक इन्वॉल्वमेंट हो गया है लोगों का जी। ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक का जो लक्ष्य हमने हासिल किया इस मामले में शौचालयों के निर्माण को लेकर, तो शौचालयों के निर्माण में भी कई तरह की कुछ त्रुटियां देखी गई हैं स्थानीय स्तर पर बनवाने में। किस तरह के शौचालय लोग बनवाएं जिसके लिए उनको राशि दी जाती है, उसका सही इस्तेमाल हो सके?
देखिए इसमें लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली अफोर्डेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. वही चीज़. एक सेफ टॉयलेट बन सकता है, मैं समझता हूँ 15-20 हज़ार के बीच में. 12,000 का इंसेंटिव मिलता है तो 12,000 में भी सिंपल टॉयलेट बन जाता है. अच्छा, कुछ लोग और उसमें बेदिंग फैसिलिटीज़ वगैरह लगाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है अगर उनके पास पैसा है. लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 12,000 का इंसेंटिव जो सरकार दे रही है वो मैं समझता हूँ कि ये एक पर्याप्त अमाउंट है. लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो सबसे सिंपल टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्विन पिट लीच पिट बोलते हैं जी, जो मतलब आसानी से बने, जो सेफ टॉयलेट है और जिसमें एक दो साल के बाद उसका कंपोस्ट भी बन जाता है. तो ये मोस्टली ये प्रैक्टिकल है. कुछ जगहों में जहाँ वाटर लॉक्ड एरियाज वगैरह हैं वहाँ पे अलग टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है, लेकिन ये सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी है जो वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है. तो ये जो वैसे कई जगह ये देखने में आया कि ऊपर से टॉयलेट तो बन गया लेकिन पिट्स बना के छोड़ दिया उसको, उसका डिस्पोजल ठीक से नहीं होता या खुले में, फिर बात वहीं की वहीं पहुंच जाती है. तो इस तरह के शौचालयों पर प्रतिबंध है? इसमें ऐसा है कि सुपरविजन काफी क्लोज है. और अब क्या होता है कि हर टॉयलेट का जियो टैगिंग होता है. अच्छा. तो मतलब जो इस स्कीम में जो भी बन रहा है, जियो स्कीम में बन रहा है, अब जो टॉयलेट बने हैं सारे जियो टैग नहीं हुए लेकिन धीरे धीरे हो रहा है. मतलब उसको अपलोड अभी हुआ नहीं क्योंकि संख्या इतना बड़ा है जी. तो अभी तक, लेकिन इसका प्राविधान है कि जियो टैगिंग हो और इसका वेरिफिकेशन भी हो. ऐसा नहीं कि एक मतलब पिट उन्होंने डिग किया कि टॉयलेट बनने और उनको इंसेंटिव भी मिला है, तो उसकी चेकिंग होती है. और जहां पे ODF डिक्लेयर किया जाता है उसका थर्ड पार्टी, मतलब अगर एक गांव या एक पंचायत या एक डिस्ट्रिक्ट ODF डिक्लेयर किया जाता है, वेरिफिकेशन स्टेट लेवल से होता है, बाहर से होता है. अच्छा. एक सेल्फ डिक्लेयर होता है, उसके बाद एक थर्ड पार्टी एक आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट जगह से या स्टेट गवर्नमेंट से वेरीफाई होता है. तो इसकी चेकिंग होती है. मिसयूज तो एक आध जगह पे तो होगा ही, लेकिन जनरली इसकी वेरिफिकेशन हो रही है. और मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम अभी मोर ऑर लेस ठीक चल रहा है. सबसे बड़ी बात यह कि लोगों में ये उत्साह तो है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, और बच्चों से लेकर बड़ों तक में इस बात को, उनको लगता है कि जो गंदगी हमारे लिए कलंक की तरह था बाहर से. क्या हम लोग खुद भी कहीं जाते हैं तो गंदगी देखकर हमें तकलीफ होती है कि क्यों हम इतने गंदे से रहते हैं, लेकिन अब उसको लेकर लोगों ने रिएक्शन शुरू किया, प्रतिक्रियाएं शुरू की हैं. अभी सफर बाकी है क्योंकि 2019 तक का लक्ष्य है. अभी तक की जो उपलब्धियां हैं, अब क्योंकि काफी हौसला मुझे लगता है बढ़ा हुआ है बिल्कुल तो इसका रोड मैप क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जागरूकता के लिए लोगों के क्या कुछ आपने प्रयास किए या करना चाहते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा जागरूकता के बारे में, इसमें इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. तो इसमें दो टाइप के, एक तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है जिसमें फेस टू फेस है, जहाँ पे एक लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे लोकल ग्रुप्स, NGOs, मोटिवेटर्स, स्वच्छग्राही जाके लोगों से बातचीत करते हैं, कि उनको मोटिवेट करते हैं कि सैनिटेशन की जरूरत क्यों है और ओपन डेफिकेशन फ्री क्यों होना है. तो एक तो ये इंटरपर्सन, दूसरा ये फिर मास मीडिया की जरूरत है. तो दोनों चाहिए. मैं समझता हूँ कि ज्यादा इफेक्टिव है इंटरपर्सनल जी, लेकिन मास मीडिया की भी जरूरत है क्योंकि आप एक वाइड ऑडियंस को रीच कर सकते हैं. तो ये जागरूकता पैदा करने के लिए सब लोगों को इसमें, चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो, चाहे फिल्म स्टार्स हो, चाहे क्रिकेट स्टार्स हो, तो एक बज क्रिएट करने की जरूरत है. लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है जी. दूसरा, जहां आपने कहा आगे का रास्ता क्या है और रोड मैप क्या है, तो हम समझते हैं कि काफी मोमेंटम बन चुका है. अब अगले 3 साल में दोनों रूरल और अर्बन एरियाज में एक प्लान है जिसमें स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, म्यूनिसिपैलिटी वाइज प्लान किए जा रहे हैं, और इसमें अब सब लगे हुए हैं. मोमेंटम बन चुका है, बढ़ रहा है मोमेंटम. और मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट एक सनसेट क्लॉज दिया है 2 अक्टूबर 2019, मैं समझता हूँ कि हम वेल ऑन ट्रैक हैं और ये हम प्रधानमंत्री जी के ऑब्जेक्टिव्स सबके साथ एक जन आंदोलन के रूप में इसको हम, मैं समझता हूँ, हासिल कर लेंगे जी. बहुत जरूरी भी है और सभी की कोशिश भी होनी चाहिए और हम सबकी शुभकामनाएं भी एक दूसरे के लिए यही है. श्रोताओं, स्वच्छता पर इतने विस्तार से तमाम उन गतिविधियों के बारे में जो अतीत में हुई है या भविष्य में होनी है उस पर चर्चा के लिए आदरणीय श्री परमेश्वरन अय्यर साहब, जो कि सचिव हैं भारत सरकार में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के, वो हम सबके बीच स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की. तो आप सबकी तरफ से परमेश्वरन अय्यर जी का बहुत बहुत आभार समय देने के लिए और इस बातचीत के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. श्रोताओं, आपसे भी विदा लेने से पहले
हम मन की बात का वो अंश जो प्रधानमंत्री महोदय ने आप सबका आह्वान करते हुए आपके साथ साझा किया था वो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। उसे ज़रूर सुने और सुनकर उस प्रेरणा को और उस शिद्दत को भी महसूस करें जिससे हम सब जुड़कर देश को स्वच्छ भारत के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि बापू को जब हम 150वीं जयंती मनाएंगे 2019 में तो एक स्वच्छ भारत उनको समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उस आह्वान का अंश आइए सुनते हैं। आपने देखा होगा इन दिनों स्वच्छता का सर्वे अभियान भी चलता है। पहले एक बार 73 शहरों के सर्वे करके स्वच्छता की क्या स्थिति है उसको देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। अब 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले जो 500 के करीब शहर है उनकी बारी है और इसके कारण हर शहर के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि चलो भाई हम पीछे रह गए अब अगली बार हम कुछ अच्छा करेंगे। एक स्वच्छता की स्पर्धा का माहौल बना है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी नागरिक इस अभियान में जितना योगदान दे सकते हैं देना चाहिए। और अब आपसे अनुमति लेने से पहले श्रोताओं वो गीत जो साबरमती के संत को समर्पित है यानी बापू को समर्पित है और उस गीत से पहले बापू के लिए स्वच्छता का क्या महत्व उनके जीवन में था उनके विचारों में उनके व्यक्तित्व में और हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने स्वच्छता को एक ऐसी ऊंचाई दी जो हमारे एक अच्छे जीवन के लिए स्वस्थ जीवन के लिए सुविचारित जीवन के लिए मजबूत नींव की तरह काम कर सकता है। बापू के उन उद्गारों को भी हम आपके साथ इस समय साझा करना चाहेंगे और उसके बाद एक गीत के साथ आपसे हम विदा लेंगे। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जैनेन्द्र को आज्ञा दीजिए मैं आपको छोड़े जाता हूँ बापू के इस संदेश के साथ। उस कैंप में जो गंदगी थी उसकी तो कोई इंतहा नहीं थी। वो गंदगी क्यों? उसमें तो पीछे हमारी पुरानी आदत हिंदू हो या तो मुसलमान, क्योंकि मैं तो हिंदू कैंप में भी यहाँ चला गया हूँ मुसलमानों के कैंप में भी गया लेकिन यहाँ मुझको तो नाक है ही नहीं। कोई न सुगंधी आती है दुर्गंधी आती है तो लड़कियां तो मेरे पर हंसती है कि हाँ तुमको नाक रहता तो बस कैसे वहाँ खड़े रह सकते थे। इतनी वहाँ से बदबू निकलती है। किसी ने मुझको इशारा भी किया कि अरे यहाँ पैखाने हैं वो तो देखो तो मैं समझ गया कि पैखाने वो तो नरक की खान है। क्यों ऐसी है कि उसको कौन साफ करे? अगर मैं उस कैंप का कमांडर हूँ तो मैं तो उसकी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं रहा इस तरह से मेरे मातहत जो कैंप रहती थी वो कैंप ऐसी गंदी नहीं रह सकती। इतने सिपाही तो पड़े मिलिट्री के पड़े अच्छे वो तो बंदूक उनको कहो कि इतना गंदा यहाँ मेला रहता है वो क्यों रहता है तो कहेंगे कि हमारा वो काम कहाँ है। हमको तो बंदूक चलाने का हुक्म है ठीक है। आज जो हमारी मिलिट्री है आज हमारे सिपाही है उनका तो मेरी निगाह में ये काम है कि उनके हाथ में एक कुदारी भी होनी चाहिए एक पावड़ा भी होना चाहिए कि जिससे कहीं भी गंदगी है तो उसको साफ करें। पहले पहल उनका वो काम होना चाहिए। मैं तो बहुत कठोर हृदय का आदमी हूँ। मैं तो कहूँगा मैंने किया है ऐसा कैंप मैंने चलाई है यहाँ हरिद्वार में। हरिद्वार में जब कुंभ का मेला था तो हमारा सबका काम था कि वहाँ के जो कैंप का सैनिटेशन था वो सैनिटेशन फजर में करने के लिए हम निकल जाते थे और वो सब मेला करते थे यात्री लोग आते थे वो सबको तो उसका साफ कर देते थे सिवाय मुझको तो चैन नहीं हो सकता था और सबको वो तालीम दी गई। लेकिन मैं कहूँगा कि उसका पहला काम ये है कि अपनी कैंप है उसको बिल्कुल साफ रखना। हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई दाही न कहीं तो अपना बंदूक चलाई दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई बाहरी फकीर खूब करामा
चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना। लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थे बड़े जोर के दुश्मन भी था ताना। पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कच के दाव के उल्टी सभी की चाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े। मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े। कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। खूनों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी। लाखों में घूमता था ली सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी। लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया। अमृत दिया कभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। श्रोताओं इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आगामी शनिवार रात 9 बजे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह और प्रस्तुति सहयोग था चंपा धर्मशक्तु का। पोस्ट बॉक्स नंबर